अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय किचन रेसिपीज। आज मैं आप लोगों के साथ आम का अचार बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी और आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करेंगे तो आपका अचार ना सिर्फ बहुत ऑथेंटिक बनेगा बल्कि इसकी शेल्फ लाइफ भी काफी होगी, यानी सालों चलेगा अगर बच जाए तो, क्योंकि ये सबका बहुत पसंदीदा होता है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने आधा किलो कैरी ली है और इन्हें कट करवा लिया है, और कटवाने के बाद मैंने इन्हें वॉश करके सुखा लिया। तकरीबन 3 घंटे मैंने इसको छन्ने के अंदर रखा है और फिर टिश्यू से पोंछ के देखे, बिल्कुल ये ड्राई हुई है। आपको ख्याल रखना है कैरियाँ बिल्कुल ड्राई हों और जो प्याला आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सूखा हुआ हो। जो जो चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल करें वो सब आपकी बिल्कुल ड्राई हों, साफ सुथरी हों और ड्राई हों, इसका ख्याल रखिएगा। तो अभी मैं फर्स्ट स्टेप में इसके अंदर डाल रही हूँ नमक। नमक अच्छी खासी क्वांटिटी में इसमें जाएगा। मैं इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही इसमें जाएगी हल्दी 1 टीस्पून भर कर। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर करके रख दूंगी तकरीबन 1 से 1.5 दिन, ताकि कैरी के अंदर जितना भी पानी है वो सारा बाहर आ जाए। मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। मैंने अच्छे तरीके से देखे मसाले को कोट कर लिया है, नमक और हल्दी को, और ये एक एक कैरी को बार अच्छे से कोट हो गई है। बस इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 दिन के लिए, और बीच में मैं इसको 2-3 दफा टॉस करूंगी, यानी ऊपर नीचे करूंगी। इससे ये होगा कि इसका पानी अच्छे तरीके से निकल जाएगा और कैरी जो है कदरे सॉफ्ट भी हो जाएगी। कैरियों को रखे हुए तकरीबन 1.5 दिन हो गया है, मैंने इसमें नमक हल्दी लगा के रखा था, और देखिए कितना पानी इसमें से रिलीज हो गया है। बस अब हमें इसमें से निकालना है इसे और सुखाना है। आपने कोई सी भी रफ ट्रे ले लेनी है इस तरह से, और ये उठा उठा के इसमें रखना है। ट्रे आपकी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, आप जो भी चीज रखें इस्तेमाल करें इसमें, बस इसका ख्याल रखेगा कि वो ड्राई हो। इस तरह से फैला फैला के आपने इसको रख देना है। अच्छा, ये वाला जो है इसका जो ऊपर का सिरा है, गुटली वाला, गुटली नहीं है इसके अंदर, ये ऊपर का सिरा है, ये जो है ऊपर होना चाहिए और जो इसकी स्किन है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा मॉइस्चर होता है ऊपर वाले, उसमें हमें यही सुखाना है। अब अगर आपके घर में धूप आती है, तेज धूप है, तो आप इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दीजिए धूप के अंदर, बहुत ज्यादा नहीं, और नहीं है तो फिर आप इसको पंखे के नीचे 4 से 5 घंटे के लिए रख दीजिए, अच्छे से ड्राई हो जाएगा। बहुत ज्यादा हमें इसको ड्राई नहीं करना और बहुत ज्यादा जो है इसको इसका ना मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है इसे। यहाँ पर देखिए मैंने कैरी की सारी डलियों को इस तरह से अलग अलग करके रख दिया है, और ये देखिए कितना सारा पानी इसमें से निकला है। ये पानी चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी दाल वगैरह में, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप इसको फेंक दें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नमक होता है। अब मैं इसे रखने के लिए जा रही हूँ मेरे घर में, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और धूप नहीं आती, तो मैं पंखा चला के इसको 4 से 5 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दूँ। आपके यहाँ धूप आती है तो आप इसको रख दीजिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, ये अच्छे तरीके से सूख जाएंगे। जब तक कैरियाँ हमारी सूखती हैं, हम यहाँ पे अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले तो मैं लूँगी लाल मिर्चों का पाउडर, इसी भी लाल मिर्च से ले रही हूँ। मिर्चें और नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। मैं 1/4 टीस्पून कम ले रही हूँ, क्योंकि हमारी ये मिर्चें बहुत तेज हैं, इसी भी लाल मिर्च ली है। 1/4 टीस्पून बिल्कुल थोड़ी सी मैं कश्मीरी लाल मिर्चें डाल रही हूँ, ये तेज़ नहीं होती और इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। 1/4 टीस्पून काला नमक है, आप काला नमक नहीं डालना चाहते तो आप अपना नॉर्मल जो नमक यूज़ करते हैं वो ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, ये कश्मीरी लाल मिर्चें जो है ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप स्किप कर दीजिएगा। नमक मैंने कम इसलिए लिया है क्योंकि ऑलरेडी हमारी कैरियों के अंदर नमक मौजूद है, तो मैं लास्ट में नमक चलकर फिर उसमें अगर कम हुआ तो फिर मैं और ऐड कर लूँगी, नहीं तो वैसे ही उसमें बहुत नमक होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ मसाले हैं, आप लोग देख लीजिए। कलौंजी मैंने ली है 1/4 टीस्पून, और सौंफ मैंने ली है 1 टीस्पून, जिसे मैंने लाइट सा ड्राई रोस्ट किया है और उसके बाद दरदरा सा ये देखिए इसको पीस लिया है। और यहाँ पे 1/4 टीस्पून मेथी दाना है, मेथी दाने की क्वांटिटी आपने कम लेनी है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा चला गया, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो अचार कड़वा हो जाता है, क्योंकि ये जायके को कड़वा कर देता है अगर इसकी मिकदार ज़्यादा हो तो। इसके अलावा 1 टीस्पून राई दाना है, मेथी दाने को मैंने ड्राई रोस्ट किया है लाइट सा, ताकि इनके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो ड्राई हो जाए बिल्कुल। और यहाँ पे मेथी दाना है, इसको मैंने राई है, इसे भी मैंने लाइट सा रोस्ट कर लिया है, लेकिन मैंने इसको पीसा नहीं है। आप लोग के ऊपर है कि आप चाहें तो इसको लाइट सा दरदरा सा पीस के डाल दें, लेकिन मुझे इसी तरह से पसंद है तो मैं इसी तरह से इसे ऐड करूंगी। ये चीज़ें चली गई सारी, इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, मैं अचार जब इसके अंदर मसाला डालूंगी तो फिर मैं चेक करूंगी, अगर मुझे कोई भी चीज़ कम लगेगी तो मैं उसमें और ऐड कर लूंगी, ठीक है, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी साथ में। चलिए, ये तो अचार का मसाला तैयार हो गया है। यहाँ पे देखिए तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं इन कैरियों को रखे हुए। अच्छा, मैंने इनको तकरीबन 2 घंटे रखा था पंखे के नीचे, और इसके अलावा जब धूप आ गई थी तो मैंने 1 घंटा इनको धूप भी दिखा दी थी। अभी तकरीबन देखिए खुश्क हो गई है, बहुत ज़्यादा हमें इसे ड्राई नहीं करना, ठीक है। अब हम इसको डालेंगे एक बाउल में,
यहाँ पे देखिए मैंने इन्हें ट्रांसफर कर लिया है एक बोल में, और ये जो हमने मसाला बनाया था ये अब हम इसके अंदर डाल देंगे। मसाला डाल दिया है मैंने कैरियो के अंदर, और मैं इसमें एक खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका भी ऐड करूँगी जो इसको गलाने में भी मदद देगा, इसके अलावा जो है इसे ख़राब होने से भी बचा के रखेगा। और इसे आप अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मसाला मैंने इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मैं इसमें देखिए थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे नमक कम लग रहा है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सरसों का तेल। मैं ऑयल तकरीबन हाफ कप इसमें ऐड कर रही हूँ। सरसों के तेल को मैंने पहले बॉईल कर लिया था, अच्छे से जला लिया था, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कच्चा जो है उसका टेस्ट पसंद नहीं है। और ये सरसों का तेल है, बस इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। बस अब इस अचार को हम भरेंगे इस ग्लास बॉटल के अंदर। ये देखिए मैंने ग्लास बॉटल ली है और ये बिल्कुल ड्राई है। आप चाहें तो कहाँ मर्तबान भी ले सकते हैं, या प्लास्टिक का आपके पास हो एयर टाइट बॉक्स या जार आप वो भी ले सकते हैं। इसके अंदर डालेंगे हम अपना सारे अचार। बस इसका लिड लगा के पहले मैं इसे अच्छे तरीके से शेक करूंगी। इस तरह से आपको शेक करना है ताकि सारे मसाले और हर चीज जो है वो आपस में मिक्स हो जाए इसमें। इस तरह से अच्छे तरीके से इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसका लिड हटाएंगे, और हमें इसका लिड का कोई काम नहीं है। यहाँ पे कोई सा भी अच्छा साफ सुथरा मलमल का पीस आपने लेना है। मैंने एक कतरन ली है, इसको इस तरह से बंद करना है टाइट सा। और यहाँ पे हमें, मेरे पास ये रबर बैंड है, मैं रबर बैंड से इसका मुंह इस तरह से बंद कर रही हूँ। इस तरह से बंद हो गया है, और ये अचार मैं रखूंगी धूप में तकरीबन एक हफ्ते में ये तैयार हो जाएगा बनकर, क्योंकि धूप बहुत तेज है। बस आपने इस अचार को कुछ बातों का ख्याल रखना है कि इसको रोज आपने दिन में दो दफा चलाना है, और लकड़ी के चम्मच से आपने इसको चलाना है, और बिल्कुल खुश्क होना चाहिए वो चम्मच आपका जिससे आप इसको चलाएंगे, ऊपर नीचे आपने करना है। और ये इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते में पककर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मैं आपको किसी भी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि ये हमारा अचार कितना बेहतरीन सा बना है, और जो मसाले मैंने इसमें जो मेजरमेंट्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है आधा किलो अचार के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।